जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी और हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रजामंडल कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में भी चर्चा की थी, बूंदी प्रजामंडल के बारे में भी चर्चा की थी, इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है मेवाड़ में जो प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए उनके बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। मेवाड़ में प्रजामंडल, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। राजस्थान सरकार की बहुत सारी भर्तियां आ रही है तो उनकी आप ईमानदारी से गंभीरता पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए इसको प्रारंभ करते हैं दोस्तों। मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938 को। किसके द्वारा होती है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा होती है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा होती है, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 24 अप्रैल 1938 को, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों बलवंत सिंह मेहता को। तो माणिक्यलाल वर्मा क्या बनते हैं? माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं इसके महामंत्री। माणिक्यलाल वर्मा का मेवाड़ में दोस्तों वही स्थान है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में जयनारायण व्यास का है। माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं दोस्तों महामंत्री 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री बनते हैं, बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है भूरेलाल बया को इसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। उपाध्यक्ष, अब ये तो हो गया सरफेस यानी कि ऊपर ऊपर से, लेकिन अब हम इसके थोड़े अंदर तक जाएंगे, कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम घटित हुए, साथ ही किन प्रकार की परिस्थितियों से इस प्रजामंडल को गुजरना पड़ा है, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर अंदर से क्वेश्चन आए, क्योंकि अब सरफेस लेवल से क्वेश्चन आना थोड़ा बंद हो चुका है, थोड़े अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी चर्चा उनकी भी करते हैं। क्या क्या घटनाएं घटित हुई है इस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान? जब ये प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है तो उदयपुर शहर से, केवल उदयपुर शहर की बात कर रहा हूं, उदयपुर शहर से केवल तीन दिन में 2000 कार्यकर्ता इस प्रजामंडल के साथ जुड़ जाते हैं। 2000 जो लोग हैं वो इस प्रजामंडल के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे मेवाड़ का महाराणा चिंतित हो जाता है। चिंतित होना स्वाभाविक है, तो मेवाड़ महाराणा को माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ महाराणा माणिक्यलाल वर्मा को बोलता है कि आपने जो प्रजामंडल गठित किया है इसकी परमिशन लेना अनिवार्य है, इसकी स्वीकार्यता लेना आवश्यक है। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा महाराणा से इस प्रजामंडल की स्वीकार्यता लेने से मना कर देते हैं, जिसके कारण मेवाड़ का महाराणा इस प्रजामंडल पर 11 मई सारी चीजें लिखना बोर्ड पे संभव नहीं है तो मैं इंपोर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ। 11 मई 1938 को मेवाड़ महाराणा के द्वारा इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। साथ ही इस प्रजामंडल की सभाएं, समाचार पत्र आदि सभी पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है मेवाड़ महाराणा के द्वारा। इसके अलावा मेवाड़ महाराणा द्वारा माणिक्यलाल वर्मा तथा इनके एक साथी जो कि प्रजामंडल के सदस्य भी थे, उनका नाम है रमेश चंद्र व्यास। माणिक्यलाल वर्मा तथा रमेश चंद्र व्यास से बोला जाता है कि आपको मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा, इनकी देश निकाला इनको दे दिया जाता है। 11 मई 1938 को प्रतिबंध लगाया जाता है, साथ ही माणिक्यलाल वर्मा शॉर्ट में लिखूंगा MLV तथा रमेश चंद्र व्यास जो कि प्रजामंडल के पदाधिकारी भी थे और सदस्य भी थे,
इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कुल मिला के पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है मेवाड़ महाराणा के द्वारा। साथ ही माणिक्यलाल वर्मा तथा रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। यहाँ से माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़ देते हैं और माणिक्यलाल वर्मा पहुंच जाते हैं वर्धा। वर्धा कहां पर है दोस्तों? वर्धा का जिक्र पहले भी हो चुका है जब हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, इसके अलावा जब हमने विजय सिंह पथिक की चर्चा भी की थी, या फिर हमने जब राजस्थान के संगठन पढ़े थे तो उसमें भी वर्धा की चर्चा की थी। वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी के द्वारा। बाद में उसका जो ऑफिस है वो 1920 में अजमेर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी। यहां से माणिक्यलाल वर्मा वर्धा पहुंचते हैं। वर्धा पहुंचने के बाद में ये गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी माणिक्यलाल वर्मा को सुझाव देते हैं कि अब आपको मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी ऑफिस यानी कि टेम्परेरी ऑफिस अजमेर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो यहां से माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है? अजमेर में अस्थायी कार्यालय अजमेर में शिफ्ट कर दिया जाता है। और अजमेर में जब माणिक्यलाल वर्मा थे तो वहीं से उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है, उस पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस पुस्तक में माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ सरकार की, मेवाड़ प्रशासन की, मेवाड़ रियासत की गतिविधियों की कटु आलोचना करते हैं। इस वजह से माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ महाराणा की आंखों में किरकिरी की तरह हो जाते हैं। इसके बाद की परिस्थितियों पर हम बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो और सदस्य थे इस प्रजामंडल के, जैसे कि बलवंत सिंह मेहता, शॉर्ट में लिख देते हैं, चलो थोड़ा टाइम बच जाएगा, बलवंत सिंह मेहता, भूरे लाल भैया और इसके अलावा रमेश चंद्र व्यास, ये वापस मेवाड़ में आ जाते हैं, रमेश चंद्र व्यास, इनके द्वारा मेवाड़ में सत्याग्रह की घोषणा की जाती है कि मेवाड़ में जो इस प्रकार का दमन चक्र चल रहा है उसके खिलाफ अब हम सत्याग्रह करेंगे, इनके द्वारा सत्याग्रह की घोषणा की जाती है। लेकिन जैसे ही ये खबर मेवाड़ महाराणा के पास पहुंचती है, मेवाड़ महाराणा बलवंत सिंह मेहता, भूरे लाल भया तथा रमेश चंद्र व्यास और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देता है। इस प्रकार की परिस्थितियां थी जिसके कारण सत्याग्रह नहीं हो पाता है। उसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम बात करते हैं। 2 फरवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा को देवली के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। देवली के पास एक गांव है, वहां से माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और इनको 2 वर्ष की सजा मुकर्रर की जाती है। जब ये गिरफ्तार करके जेल में ले जाए जाते हैं, जेल में रहते हैं, तो वहां पर इनके साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो इनको 8 जनवरी 1940 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद की परिस्थितियों की अगर हम बात करें, 22 फरवरी 1941 के दिन, इसके बाद में कार्यकर्ता सक्रिय थे, लगातार आंदोलन वगैरह हो रहे थे, राजनीतिक नेताओं का भी इनको सपोर्ट हासिल था, क्योंकि कांग्रेस की घोषणा हो चुकी थी हरिपुर अधिवेशन के बाद की जो स्थानीय जन नेता हैं उनको अपने 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 रियासतों में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार शासन स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए, तो कांग्रेस का भी समर्थन था इसी इनको। सभी दबावों के कारण 22 फरवरी 1941 को ये जो मेवाड़ प्रजामंडल पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाता है। प्रतिबंध दोस्तों अब हो जाते हैं समाप्त, किस पे से? मेवाड़ प्रजामंडल से। जब प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा तो फिर सभाएं भी की जाएगी, तो उसके बाद में सभा की जाती है 25 से 26 नवंबर 1941 को ही मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी 25-26 नवंबर को 1941 को
मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन बुलाया जाता है जिसका सभापति होता है माणिक्यलाल वर्मा तथा इसका उद्घाटन किया जाता है आचार्य कृपलानी द्वारा। पहला अधिवेशन बुलाया जाता है इसका, जिसके सभापति होते हैं, सभापतित्व किया जाता है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, और इसका उद्घाटन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है कृपलानी, आचार्य कृपलानी जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आचार्य कृपलानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ये जो अधिवेशन होता है मेवाड़ प्रजामंडल का 25 से 26 नवंबर दो दिनों तक 1943 में, इस अधिवेशन में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक शासन की मांग की जाती है और आगे की योजना बनाई जाती है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन अपने को हासिल करना है। उसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी समझने में। अगर आप डेट याद नहीं भी रखना चाहो इतनी ज्यादा, तो भी आपको घटनाक्रम जरूर ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है और किन किन परिस्थितियों में वो घटनाएं घटित हो रही है। इसके बाद की परिस्थिति पर अब हम बात करते हैं। अगस्त 1942 में संपूर्ण भारत में एक आंदोलन प्रारंभ हो गया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जब पूरे भारत में प्रारंभ हुआ था तो उस समय मेवाड़ में जो यहाँ की स्थानीय नेता थे, जैसे ये यहीं से, तो इनके द्वारा राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। अगस्त 1942 में जब संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था तो उसी समय मेवाड़ के स्थानीय नेताओं द्वारा यह नारा बुलंद किया गया कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। जब यह नारा बुलंद किया गया तो राजा भड़क गया, मेवाड़ का जो महाराणा था वो भड़क गया और उसने ये जो जितने भी कार्यकर्ता थे बीकानेर प्रजा मेवाड़ प्रजामंडल की, इन सभी कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया। जब प्रजामंडल आंदोलन घटित होते हैं, कोई भी आंदोलन घटित होते हैं, तो कार्यकर्ताओं का जेल में आना जाना सामान्य सी बात समझी जाती है, तो इनको वापस जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद की परिस्थितियों पर अगर हम बात करें, 21 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946, आप सभी लोगों ने, अगर इसी चैनल से आप जुड़े हुए हो इनविंसिबल पायनियर इंस्टीट्यूट से, तो आपने इसके पिछले वाले वीडियो में एक संस्था का नाम जरूर सुना होगा। उसका नाम है दोस्तों अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना वैसे तो 1920 में हुई थी लेकिन इसकी जो व्यवहारिक तौर पर स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में बंबई में। इसके अलग अलग जगह पर अधिवेशन होते थे। कांग्रेस ने एक समय के बाद में ये निश्चित कर लिया कि अब हम देसी रियासतों के मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे, वहां के जन समुदाय पर अगर जुर्म हो रहा है, उनके जन समुदाय पर अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम उनके मामले में भी हस्तक्षेप करेंगे। इससे पहले कांग्रेस का ये स्टैंड था कि हम देसी रियासतों के किसी भी प्रकार के मामले में इंटरफेयर से बचेंगे, हम केवल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही बात करेंगे। बहरहाल अभी यहाँ पर आ जाते हैं वापस। 21 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 यानी कि दो दिन की घटना की बात है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये उदयपुर में हुआ। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन उदयपुर में हुआ। हालांकि संपूर्ण भारत में बहुत सारी हुई लेकिन राजपुताना में केवल एकमात्र अधिवेशन हुआ, वो भी उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। और इस अधिवेशन में मेवाड़ तथा साथ ही राजपुताना की अन्य देसी रियासतों में भी लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की मांग और ज्यादा मुखर की गई। इसके बाद के घटनाक्रम पर अब हम बात करते हैं। सारी चीजें घटित हो रही थी। उसके बाद में दोस्तों 1947 में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनके सुझाव से राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ नाम ही क्यों रखा गया उसका, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा ने 1947 में मेवाड़ का संविधान तैयार किया।
मेवाड़ का संविधान तैयार किया। इस संविधान को दोस्तों लागू भी कर दिया गया। अब इस संविधान में ये भी व्यवस्था थी कि जब लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार का गठन होगा, हालांकि राजा के अंडर ही होगा, तो उसमें जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं सदस्यों को भी स्थान मिलना चाहिए। और हुआ भी ऐसा। कैसे? जब इस संविधान के तहत प्रजामंडल, इस संविधान के तहत उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ मेवाड़ महाराणा के अंडर, तो उसके अंदर जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों को भी उसमें लिया गया, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया को लिया गया था, इसके अलावा हीरालाल कोठारी को भी लिया गया था। उसके बाद में एक और मंत्रिमंडल गठित होता है जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल के और अधिक सदस्य उसमें मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर भी जो सामंत वर्ग है उनकी ज्यादा भागीदारी होती है, चलती भी उनकी है। तो ये जो है मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य, ये इस बात से चिंतित होते हैं और मेवाड़ महाराणा में और मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों में आपस में टकराव हो जाता है। और टकराव का ही परिणाम था कि इनके द्वारा आंदोलन प्रदर्शन वगैरह किए जाते हैं। उस प्रदर्शन पर मेवाड़ रियासत की पुलिस द्वारा फायरिंग करने पर दो युवक शांतिलाल और आनंदीलाल, इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं उस आंदोलन के दौरान। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में हम सभी को जानकारी 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण संपन्न होता है। और इस तीसरे चरण में उदयपुर जो रियासत है, उदयपुर रियासत यानी मेवाड़, उदयपुर रियासत राजस्थान में विलय हो जाती है। तीसरे चरण का क्या नाम है दोस्तों? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर रियासत राजस्थान में एकीकृत हो जाती है। यहाँ का जो शासक था भूपाल सिंह, उसको राज प्रमुख बना दिया जाता है। उसके बाद में उसको महाराज प्रमुख बनाया जाता है। एक और घटना का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, सारी चीजें अपने लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्याग्रह का प्रयास कर रहे थे बुरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता, तो उसके विरोध में मेवाड़ के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जैसे कि उदयपुर में हुए थे, चित्तौड़ में हुए थे, जहाजपुर में हुए थे, बिलवाड़ा में हुए थे, नाथद्वारा में हुए थे। लेकिन खास बात क्या है, नाथद्वारा में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये एक थोड़ी अनूठी घटना है, यानी कि मेवाड़ रियासत में प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान नाथद्वारा में महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलनों में भाग लिया था। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ये भी अपने को याद होना चाहिए। एक प्रश्न ये भी बन जाता है दोस्तों कई बार कि मेवाड़ प्रजामंडल या फिर किसी भी प्रजामंडल में किन किन का योगदान रहा। तो फिलहाल हम मेवाड़ प्रजामंडल ही पढ़ रहे थे, इसकी बात कर लेते हैं किन किन का योगदान रहा। तो एक तो नाम आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर, बलवंत सिंह मेहता का रहा है, बुरेलाल भैया का रहा है, माणिकलाल वर्मा का रहा है, साथ ही रमेश चंद्र व्यास, ये भी पदाधिकारी थे मेवाड़ प्रजामंडल में, इनका रहा है रमेश चंद्र व्यास का रहा है। इसके अलावा दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है, हीरालाल कोठारी का रहा है। तो ऐसे अनेक सारे कार्यकर्ताओं का योगदान मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान रहा है। और हम सबको ये भी जानकारी है कि मोहनलाल सुखाड़िया कालांतर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं 1954 में, जो 17 सालों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। और वर्तमान समय तक भी लगातार अगर किसी एक मुख्यमंत्री का सर्वाधिक कार्यकाल है राजस्थान में तो वो मोहनलाल सुखाड़िया का ही है। इन्होंने 17 सालों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। दोस्तों आज हमने चर्चा की है मेवाड़ प्रजामंडल में, आज हमने इसके घटनाक्रमों को समझने की कोशिश की है, संस्थापना को समझने की कोशिश की है, और जो घटनाक्रम घटित हुए साथ में किन किन का योगदान रहा, सारी चीज़ों को आज हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर सेशन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो उसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है।